उर्फी जावेद अपने फैशन स्टाइल और अपने कपड़ों की वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उर्फी जावेद का पूरा कैरियर खत्म हो सकता था। दरअसल उर्फी जावेद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि उर्फी जावेद एक एडल्ट मूवी की शूटिंग कर रही थी, तभी वहाँ पर पुलिस वाले आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। इस वीडियो में दिखाया गया है कि उर्फी एक ऑफिस में विजिट करती हैं और डायरेक्टर से मिलती हैं। डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता है। उर्फी को बताते हैं कि उनका ये प्रोजेक्ट सीक्रेट है और मूवी में रणबीर कपूर विलन का रोल प्ले करेंगे। ये सुनने के बाद उर्फी जावेद एक्साइटेड हो जाती हैं, जिसके बाद उन्हें बताया जाता है कि फिल्म के हीरो के लिए विदेशी एक्टर को कास्ट किया गया है और बादशाह गाने कंपोज करेंगे। फिल्म का नाम है टाइटैनिक। इसके बाद कंटेंट क्रिएटर रोहित गुप्ता दूसरे डायरेक्टर बनकर ऑफिस में आते हैं और लीड एक्टर के साथ एंट्री करते हैं। जब उर्फी लीड एक्टर के बारे में पूछती हैं तो उन्हें बताया जाता है कि वो युगांडा से। इसके बाद डायरेक्टर ऑडिशन के लिए उर्फी को बुलाता है और उन्हें वियर्ड सा डायलॉग देता है। तभी एक पुलिस वाला ऑफिस में घुसता है और सभी को एडल्ट फिल्म शूट करने के आरोप में पकड़ लेता है। बस फिर क्या था, वहाँ मौजूद तीनों आदमी उर्फी को ब्लेम करने लगते हैं। ये सुन उर्फी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वे अपने मैनेजर को फ़ोन करती हैं और उस पर चिल्लाती हैं, डांटती हैं कि क्यों ऐसा ऑडिशन सेलेक्ट किया। उर्फी जावेद इसके बाद हैरान परेशान हो जाती हैं। तभी मैनेजर फ़ोन पर खुलासा करता है कि ये सब प्रैंक है, कुछ भी रियल नहीं है। उर्फी को यकीन नहीं होता कि उनके साथ इतना बड़ा प्रैंक हो गया। बाद में फिर उर्फी जावेद को इस वाक्य पर हंसी आती है, यानी कि उर्फी का एक एडल्ट मूवी में काम करने की बात सिर्फ और सिर्फ एक प्रैंक था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वहीं उर्फी के साथ हुआ ये प्रैंक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।